हाय, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के हैं, क्विज क्विज के फॉर्म में. ठीक है, तो देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड कौन सा स्टेट सेट करने वाला है, कौन से कहाँ पे स्थापना होगी इसकी. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र है, पाँचों में से कौन सा ऑप्शन होगा, आप बताइए. देखिए, आंसर कौन सा होगा, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र यहाँ पे के यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का जो है फॉर्मेशन होगा वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, विच इज़ द वर्ल्ड्स बिजेस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट. वर्ल्ड का सबसे बिजेस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट कौन सा है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, या फिर पांचवा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद. तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, उनमें से करेक्ट आंसर होगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई. ठीक है, नेक्स्ट देखते. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडिया रिसर्च रिपोर्ट बाई ग्रीन एनर्जी मार्केट ट्रैकर मैरीकॉम कैपिटल, इंडिया हैज़ अचीव्ड हाउ मेनी गीगा वाट क्यूमुलेटिव सोलर पावर कैपेसिटी. लेटेस्ट इंडिया रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से, ग्रीन एनर्जी मार्केट ट्रैकर के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इंडिया ने ने कितना अचीव कर लिया है, कितने गीगा वाट वाट क्यूमुलेटिव सोलर पावर की कैपेसिटी इंडिया ने अचीव कर लिया. 10 गीगावाट, 20 गीगावाट, 50 गीगावाट, 100 गीगावाट या 150 गीगावाट. करेक्ट आंसर टू दूसरा, 20 गीगावाट. ठीक है, नेक्स्ट है कि किस कंट्री ने, विच कंट्री हैज साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बाई गिविंग एन एड ऑफ 370 मिलियन डॉलर टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स. किस कंट्री ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूनाइटेड नेशन के साथ साइन किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए, उस 370 मिलियन डॉलर दे करके अगले 4 सालों के लिए. नॉर्वे, चाइना, जापान, स्वीडन और यूएसए. तो इनमें पांचों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, स्वीडन. स्वीडन ने ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन के साथ साइन किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ लॉन्च्ड 10 तक ए डोर टू डोर कैंपेन टू इरेडिकेट डेडली एक्यूट इंसेफेलिटीज सिंड्रोम एंड जैपनीज इंसेफेलिटीज डिजीज फ्रॉम दिस स्टेट. आपको बताना है कि ये जो दोनों डिजीज जो है, एक्यूट इंसेफेलिटीज सिंड्रोम और जो जैपनीज इंसेफेलिटीज डिजीज है, इन दोनों को इरेडिकेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स के द्वारा किस स्टेट ने के साथ मिलकर 10 तक कैंपेन के आरंभ किया है. गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या पंजाब. इनमें से ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेम द इंडियन क्रिकेटर इन अ फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट. ठीक है, उस इंडियन क्रिकेटर का आपको नाम बताना है जिसका कि फोर्ब्स इंडिया 30 में उसका अंडर 30 लिस्ट में उसका नाम आया है. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, केएल राहुल राहुल और चेतेश्वर पुजारा में से कौन सा होगा, जसप्रीत बुमराह का नाम आया है. ठीक है, निकोस अनास्टासियाडिस वोन प्रेसिडेंट री इलेक्शन फॉर सेकेंड 5 ईयर टीम, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. निकोस अनास्टासियाडिस जो है किस कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट फिर से वापस चुन लिए गए हैं, यमन, टर्की, साइप्रस, कुवैत और जॉर्डन. करेक्ट आंसर है साइप्रस. ठीक है, साइप्रस के. हु वॉज अपॉइंटेड इन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ उड़ीसा. कौन सा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन उड़ीसा के लिए अपॉइंट किया गया है, अम्बेलेट पैटिन, एसटी शर्मा, रामाकांत रेड्डी, नाभा कुमार नायक या फिर रवि नारायण सेनापति. तो करेक्ट आंसर है नाभा कुमार नायक. ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस एयरफोर्स, फ्ल्यू ए शॉर्टी इन द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन जोधपुर, राजस्थान. फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस एयरफोर्स के कौन से है जिन्होंने हमारी जो बिल्ट इन देसी जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है उसको यहाँ पर राजस्थान में उड़ाया. तो इनका ना क्या नाम है, जनरल अजीत रायजादा, जनरल डेविड एल गोल्डफिन, या फिर जनरल एम मोदसिर, या फिर जनरल एच सी जोशी, या फिर जनरल सी रोपिंगा. तो करेक्ट आंसर है जनरल डेविड एल गोल्डफिन. ठीक है, बाय डिफीटिंग पी वी सिंधु हु वन द वुमेन सिंगल्स फाइनल्स ऑफ इंडिया ओपन सुपर 500 एट अ सीरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली ऑन 4 फरवरी 2018. कैरोलिना मारिन, वांग यान, सुंग जी जॉन यान, या बीविन झांग, या फिर गाओ लिंग. इनमें से करेक्ट आंसर है बी बेवेन झांग. ठीक है, विच टीम वोन द 8th इंडियन
एट्थ हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2018 बी डिवीज़न का है। किस टीम ने जीता एट्थ हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? बेंगलुरु हॉकी एसोसिएशन ने, या फिर स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड ने, या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, या फिर केरला हॉकी ने, या फिर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वालों ने जीता है। ठीक है, लक्ष्मी देवी पास्ड अवे रिसेंटली, कौन थी ये लक्ष्मी देवी? तो लक्ष्मी देवी सिंगर थी, एक्टर थी, डांसर थी, डॉक्टर थी, या फिर टीचर थी? करेक्ट आंसर ये एक एक्टर थी। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिसाब किताब? हिसाब किताब किताब के लेखक कौन है? ए बुक ऑन हाउस होल्ड बजटिंग, एक्ट्रेस यन गुप्ता, आरती छवारिया, या फिर अमृता अरोरा, या फिर सेलिना जेटली, या फिर अंजना सुखानी? तो करेक्ट आंसर इसका अंजना सुखानी, हिसाब किताब के। ठीक है, विच मिलिट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ कम्प्लीटेड 250 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ रेजिंग? सिंधिया राइफल रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, या फिर कर्नाटिक इन्फेंट्री रेजिमेंट, या फिर रॉयल सिख पॉइनर्स रेजिमेंट, राजस्थाना राइफल्स रेजिमेंट? तो किस मिलिट्री रेजिमेंट इंडियन आर्मी हैज़ कम्प्लीटेड 250 ग्लोरियस ईयर्स, किसने जीता है थोड़ा? तो करेक्ट आंसर इसका है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने 250 ही अपने जो है साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज के फॉर